चलते चलते पहुंच गए ऑलमोस्ट यू सिटी मॉल के सामने। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जो ऊपर इतना नहीं दिख रहा पेड़ की वजह से, चलो अंदर जाके दिखाता हूँ। वहाँ आगे विद्याश्री, उधर सुप्रीति और राहुल आगे चल रहे। भाई क्या पानी था। यूबी सिटी मॉल के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा। ये हम लोग जो कुंदलाली की तरफ रहते हैं ना, ऐसा लगता है कि हम लोग कोई विलेज एरिया में रहते हैं। वहाँ पे एक्चुअली फोटोशूट करने के लिए हमें जगह ढूंढना पड़ता है, बट ये जो एरिया है ना, इस तरफ जो डोमलूर को क्रॉस करके हम यूबी सिटी मॉल की तरफ आते हैं, एंड इस तरफ एक्चुअली में हम लोग जो स्ट्रीट्स में आ रहे थे ना चल के, जो 800 meters 1 kilometer के आसपास हम लोग जो चल के आए, मैं कसम से बता रहा हूँ, लाइक ये जो जगह पूरा स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए बनाया है। एक टाइम पे लगा कि हम लोग कहीं और है, बहुत हो गई इधर उधर की बातें। अभी आपको मैं दिखाता हूँ यूबी सिटी मॉल कैसे बाहर से दिखता है, एंड हम फिर अंदर भी जाएंगे एंड पूरा एक्सप्लोर करेंगे। एंड आप लोग ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाइए। मैंने वहाँ पे एक दो मिनी ब्लॉग्स भी अपलोड किए हुए हैं, तो कभी कभी होता है कोई एक चीज़ होती है जिसका मिनी ब्लॉग्स बनता है, पूरा ब्लॉग नहीं बन पाता, उसको भी एंजॉय कीजिए। आई थिंक यूबी सिटी मॉल का भी मिनी ब्लॉग मैं बना रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी आ गया होगा अब तक। बोल सकते हो ये बैंगलोर का वन ऑफ द लग्जरियस्ट मॉल है, एंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है अंदर भी। नॉर्मल मॉल जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, कोई पैलेस जैसे लग रहा है अंदर से। अभी 11th of December हो रहा है एंड क्रिसमस इज वेरी नियर, तो क्रिसमस के लिए भी सजा के रखे हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए जैकेट उतार दिया है, लाइक ज़्यादा ही पहन लिया था, सोचा बहुत ज़्यादा ठंड होगी। अंदर एसी पता नहीं बंद कर दी क्या है, बहुत गर्मी लग रही है, उसको भी गर्मी लग रही है राहुल को। ब्रो जैकेट का क्या करेगा, पहने रखेगा या गर्मी के लिए उतारेगा? नहीं, फैशन इज इम्पोर्टेंट, फैशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। भाई मेरे को तो बहुत गर्मी लगी, मैंने उतार दिया है जैकेट, हाथ में पकड़ के घूम रहा हूँ। पता नहीं कुछ अच्छा तो वैसे मिल नहीं रहा है खरीदने के लिए, वैसा कुछ हम लोग सोच भी नहीं आया था। हम लोग आए थे थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, नया मॉल है, बड़ा मॉल है, क्या है इसमें, तो वही चीज़ कर रहे हैं। बाकी ये देखो पीछे वीडियो बनाया जा रहा है, मैं भी अपना वीडियो बनाया जा रहा हूँ। राहुल और मैं ये उठाने के लिए पीछे जो देख रहे हो आप मॉल का, तो वो व्यू दिखाने के लिए हम लोग आगे आगे विद्याश्री और उसको पीछे छोड़ दिया था, अभी उनके पास जा रहे हैं आगे वो लोग भी। उधर राहुल अपना फोटो शूट करवा रहा है, कैमरा पर्सन सुप्रीति, कैमरा पर्सन क्यों बोला मैं, फोटोग्राफर बोलना चाहिए था। खुश सुप्रीति और विद्या भी, तो वो दोनों गए हैं यहाँ पे, थर्ड वेव कॉफ़ी है वहाँ पे हॉट चॉकलेट पीने के लिए। वैसे मैं और राहुल और एक ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, मैं हमने अभी आज लंच में बिरयानी खाई है अपने पुलिस वाली, लाइक अपने पीजी की एक नई, नीचे एक बिरयानी और कुछ चिकन आइटम्स की अच्छी वाली एक रेस्टोरेंट टाइप का निकाला है उन्होंने आउटलेट, तो उसका भी एक ब्लॉग बना के मैं आपको दिखाऊंगा एक दिन कैसा टेस्ट है एंड ऑल। बाकी वहाँ पे हम लोग ने बिरयानी खाई थी, काफ़ी हैवी थी, हम लोग को अब तक तो भूख नहीं लगी है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखते हैं अगर भूख लगेगी तो इसके अंदर कुछ आएंगे अगर कुछ अच्छा मिल रहा होगा, वरना हम लोग बाहर जाके एज़ यूजुअल अपना स्ट्रीट फूड ही एक्सप्लोर करेंगे। सो काफ़ी बढ़िया है, यहाँ से मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ अभी, लाइक जैसे गाड़ी पार्क हुई है काफ़ी बढ़िया दिख रही है यहाँ पे, वहाँ पे आप देख सकते हो नीचे, एक सेकेंड ये देखो। मैं वो भी तीसरे माले पे, पता चलिए लाइक यहाँ पे ब्लॉग करने के लिए काफ़ी बढ़िया लाइटिंग लगी हुई है, लेकिन मैं आपको रात का व्यू थोड़ा बहुत दिखाता हूँ अभी जो पूरे बिल्डिंग का है। लिटरली अभी निकल रहे थे, खो गया था, अभी ये मिल रहे हैं, अभी एक दूसरे को सब ढूंढ रहे हैं, सब वीडियो बनाने के चक्कर में इधर उधर हो गए हैं। ये देखो ये उसको अपना मिरर मिल गया, मिरर सेल्फी ले रहा है।
बाकियों को मैं ढूंढने का काम करता हूँ अभी। बट हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे, अभी हो रहा है 6:30 एंड अंदर तो उन लोगों ने कुछ हॉट चॉकलेट पिया है लेकिन हमें कुछ इतना अच्छा खास मिला नहीं लाइक जिससे हम लोग खा सकें बिकॉज वी वॉन्टेड समथिंग स्पाइसी एंड ऑल। होगा शायद हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो एक्सप्लोर नहीं किया है, फॉर दैट रीज़न अभी हम लोग निकल रहे हैं। एक बार उनसे पूछते हैं कि कैसे लगा उनको भी। मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा एक्चुअली बिकॉज दिस इज़ वन टाइम एक्सपीरियंस मैं बोल सकता हूँ बार बार इधर। लाइक विद्याश्री हाउ वाज इट यूबी सिटी मॉल? मुझे बहुत गर्व फील करी, अंग्रेजी रे भी कहर और आओ भाषा बाहर में इतने गर्व फील करी मु। धन्यवाद राहुल, तू बता। बहुत बढ़िया था, मेरा तो बढ़िया बढ़िया फोटो आ गया, मेरे को भी वही चाहिए था। और मेरे फोटो अच्छी है, गुड थिंग। यू सुप्रीति आओ और घूम के जाओ। एग्जैक्टली मुझे भी लग रहा है ये एक बार के लिए सही है, एक बार आओ बोल रहे अपना मॉल है, आओ सब घूम के जाओ, आओ सब एक्सप्लोर करो। हाँ ऊपर हेलीपैड है, वहाँ से कोई गया है शायद ये लोग। राहुल जब शुरुआत में हम लोग आए थे तब वो ड्रोन शॉट ले रहा था, तब हमने एक्सप्लोर किया था कि वहाँ पे ऊपर एक हेलीपैड भी है। उसका फायदा हुआ ड्रोन जाके। हाँ ड्रोन का कुछ फायदा हुआ जो हमारी आंखें नहीं देख पा रही है वो दिखाया। पहले हम लोग ने उठा एरियल व्यू एंजॉय किया पूरे मॉल का, फिर अंदर गए थे। बाकी और कुछ तो खास है नहीं इधर दिखाने के लायक, जितना दिखाना था मैंने दिखा लिया, आपको देख लेना। और बाकी हाँ और एक चीज़ दोबारा बोल रहा हूँ, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे एक मिनी ब्लॉग ज़रूर आया है क्योंकि मैंने लिया है ना शॉट्स तो पता है, शुरुआत में पता नहीं था। बारिश शुरू हो गई ब्रो, सो ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज अभी बारिश शुरू हो गई है।